हाय फ्रेंड्स, मैं सजल वर्मा, मैं मैनाक चौधरी फ्रॉम सिविल सेंटर। आज हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ कंपैरिजंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नंबर वन पॉइंट के ऊपर हम लोग जाते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड अनसर्टेनिटीज इन लोड। यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो डिफाइन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज को। जैसे कि हम लोग एक देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ड्राई सीमेंट जो हम लोग अपना यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, क्या यूज करते हैं, ड्राई सीमेंट यूज करते हैं। उसके बाद एग्रीगेट हम लोग का फॉर्म होता है, बट ड्राई सीमेंट की जगह पे हम लोग वेट सीमेंट लेंगे। मतलब क्या, एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण वो क्या हुआ, ड्राई वेट हो गया, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो तो लूज हो गया। तो उस लूज स्ट्रेंथ को जो है क्या सेम जो हमारा कंक्रीट रहेगा वो क्या क्या सेम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करने के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक एज्यूम करके चलते हैं कि इतना परसेंट हम लोग का जो सीमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा वेट होगा, ठीक है। और ऐसे ही अनसर्टेनिटी ऑफ लोड, इसका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। वो एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग के ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, बट एनी हाउ रीजन कि वहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ कि हम लोग का 10 से वो 12 या 13 हो गया अचानक से। तो क्या हुआ, वो लोड ये बढ़ रहा है, तो क्या हुआ इस लोड के जो बढ़ने के जो अनसर्टेन मतलब अचानक से बढ़ना, उसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में ही कि इतना परसेंट ये लोड बढ़ जाता है तो हमारा जो डिज़ाइन है या जो भी चीज़ है वो हमारा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेल, इन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोथ आर डिफाइंड सेपरेटली, बट ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में क्या होता है, हम लोग दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग एक ही फैक्टर को ले लेते हैं और दोनों पे लगा देते हैं। मतलब मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 50% एक्स्ट्रा कंसिडर कर रहा हूँ फॉर एवरीथिंग, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। जैसे कि हम लोग यूज भी करते हैं 1.5, बट यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो लोड के लिए अलग होता है और मटेरियल के लिए अलग होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के लिए मूव करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस ओनली एंड बाई अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड फोर्सेस। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो क्या बोल रहा है कि एक्सपीरियंस बेसिस पे आता है, ठीक है, एक्सपीरियंस बेसिस आता है, बट कैसे आता है, वो किस किस चीज़ को कंसिडर करता है। जैसा कि हम लोग डिस्कस भी किए हैं कि अंडरस्टिमेट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जब आपने वेट का कंसिडर कर लिया है कि वेट ही रहेगा, वो कुछ परसेंटेज जो है आपका मटेरियल वेट रहेगा, तो वो स्ट्रेंथ जो है आपने अंडरस्टिमेट कर दिया ना, जो हमारी ड्राई की थी कंप्लीट ड्राई यदि हम यूज करते सीमेंट को तो उसका स्ट्रेंथ अलग आता ना, तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या किए, अंडरस्टिमेट कर दिए। सेम केस हमारा फोर्स के लिए भी है, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फोर्स के लिए भी अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आर डिराइव्ड यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच फॉर मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ मटेरियल एंड फोर्सेस। यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो बोल रहा है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्या है कि हम लोग इंडिविजुअल पार्ट के ऊपर जाके हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सिचुएशंस या कंडीशंस आ सकती हैं फॉर मटेरियल एंड फॉर लोड, तो उन सभी सिचुएशंस को हम लोग देखते हुए हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को यूज करते हैं फॉर मटेरियल्स एंड ऑल्सो फोर्सेस। तो आज हम लोग यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा जाने, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखें, और हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें जान चुके हैं कि हम लोग जो यूज करते हैं 1.5 या 1.1 या 1.25, जैसा कि हम लोग स्टील के लिए यूज करते हैं मटेरियल्स के लिए Fy/1.25, वो सब चीज़ों के बारे में जाने हैं। ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि हम लोगों को फॉलो करते रहें। थैंक यू।